नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले वाम दल ने महाधिवेशन के बहाने दिखाई अपनी ताकत, हजारों लोगों का हुआ जुटान। शहर में फिर दिखा अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े दो व्यक्तियों को मारी गोली, पुलिस जुटी जांच में। गोविंदपुर में फिर चला बुलडोजर, 40 मकान हुए ध्वस्त, लोगों में आक्रोश। और एनसीसी दिवस के अवसर पर हथियारों की लगी प्रदर्शनी, छात्रों ने देश की सुरक्षा के लिए उठाया हथियार। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि SUCI कम्युनिस्ट के तत्वाधान में तीसरा अखिल भारतीय महाधिवेशन जमशेदपुर में सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके लिए शहर के 3 अलग अलग स्थानों से रैली निकाली गई। बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में ये सभा आयोजित की गई। इसके तहत शहर के सांगची, आदित्यपुर तथा स्टेशन चौक से रैली निकाली गई। जमशेदपुर के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से तथा अन्य राज्यों से भी सैकड़ों की संख्या में तमाम कम्युनिस्ट समर्थित कार्यकर्ता इस रैली तथा महाअधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। महाअधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभाष घोष मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। अधिवेशन में वर्तमान राजनीति तथा देश की स्थिति पर चर्चा की गई। रैली में केंद्र सरकार की कई नीतियों का विरोध भी किया गया। इस महाधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रभाष घोष ने कहा कि इन नीतियों का सभी को एकजुट होकर विरोध करना होगा, तभी जाकर देश आगे बढ़ सकेगा। वहीं SUCI की ओर से साक्षी आम बगान मैदान से रैली निकाली गई। बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में आयोजित खुला अधिवेशन में भाग लेने के लिए SUCI के समर्थकों ने साक्षी आम बगान मैदान से रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न भागों से गुजरकर जी टाउन मैदान पहुंची। राज्य परिषद के सदस्य सुमित राय ने बताया कि खुला अधिवेशन में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। इस देश के भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से एक के बाद एक मजदूर किसान विरोधी, छात्र युवा विरोधी काला कानून ला रही है, जिससे आम जनता का जीना दुभर हो जा रहा है, इसके खिलाफ में एक सशक्त जनसंघर्ष, जन आंदोलन तैयार करने के लिए SUCI कम्युनिस्ट एक मुहिम चला रही है। वहीं दूसरी ओर MGM थाना क्षेत्र के NH 33 पर पीपला के पास इम्तियाज उर्फ गब्बर पर फायरिंग की गई। जख्मी गब्बर को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 10 के रहने वाले इम्तियाज उर्फ गब्बर अपने मित्र चंद्रशेखर के साथ सोमवार को जमीन का फाइनल सौदा करने पीपला पहुंचा था। गब्बर ने जमीन खरीदने के लिए अपने पास 10 लाख रुपए रखे थे। बताया जा रहा है कि पीपला में छोटा बाबा अपने दोस्त के साथ इम्तियाज और चंद्रशेखर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दोनों को ही गोली लगी है। इम्तियाज के कमर और हाथ में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए पहले MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी स्थिति देख उसे TMH में रेफर कर दिया गया। वहीं चंद्रशेखर का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में चंद्रशेखर ने जानकारी दी। पता नहीं किसमें भागा, उसमें गाड़ी में पैसा भी था। कितना? 10 लाख ऊपर। तो हम भागे, हमको पीछा क्या 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 पता नहीं, हम तो भाग गए। फिर भाग के हम वो भट्टा चल गया। भट्टा से फोन मांगे, 15 मिनट मांगने के बाद फोन मिला हमको। कौन सी फोन, हथियार चलाया? हथियार क्या था, लेकिन बंदूक था, 3-4 राउंड मारा एकदम। और पूर्वी सिंहभूम जिले के छोटा गोविंदपुर थाना के निकट थर्ड लाइन को लेकर रेलवे द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां रेलवे के जमीन पर बने लगभग 40 घरों को रेल प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। छोटा गोविंदपुर रेलवे फाटक के समीप हाउसिंग कॉलोनी के पीछे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत रविवार को हुई। यह अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 40 ऐसे घरों को तोड़ा गया जो कि रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे।
पहले दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रेल प्रशासन को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन दूसरे दिन रेल प्रशासन को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं आरपीएफ के एएससी एसके चौधरी ने बताया कि थर्ड लाइन का कार्य जारी है, जिसे देखते हुए रेलवे को जितने भूखंड की आवश्यकता हुई है उतने भूखंड पर बसे अतिक्रमणकारियों को उस स्थान से हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रेलवे के जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जा रहा है। इसमें कुल मिला के 40 घरें हैं, इसका आइडेंटिफाई किया गया है, इसको आज तोड़ा गया है। ये अभियान थर्ड लाइन बनना है, इसमें थर्ड लाइन के लिए जो भी जरूरत है उसको चिन्हित करके ऑलरेडी कर दिया। और जमशेदपुर में एनसीसी दिवस के अवसर पर देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां छात्र छात्राओं ने इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यक्रम का आयोजन कर एनसीसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में एनसीसी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कर्नल जी सिंह के अलावा सांसद प्रतिनिधि एवं स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। यहाँ एनसीसी द्वारा लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने उसके इस्तेमाल एवं युद्ध के समय उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। छात्र छात्राओं ने हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी मौजूद सेना के जवानों से लिया। वहीं कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी विद्यार्थियों द्वारा की गई। वन के टाइम की बात है ये, उस समय के शायद ही लोग कुछ हो जो आपको ये बात बता सके। उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसको तोड़ दिया गया था, क्योंकि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था इसको माना गया था कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फौज देगी, जो भी रेगुलर आर्मी होती है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस वो देगी नेशनल कैडेट कोर, उस समय की नेशनल कैडेट कोर, जिसका यानी कि जो कॉलेज के छात्र छात्राओं से जो कोर बनाई गई थी उसको इतनी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी काम करेगी। वर्ल्ड वॉर वन की बात है। ये एनसीसी में जो भी कैडेट शामिल हैं वे अपना प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाएंगे, बल्कि एनसीसी के माध्यम से जो अनुशासन, जो सीख, जो प्रशिक्षण उन्हें मिला है उसके माध्यम से समाज और देश और राष्ट्र की सेवा भी कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीसी के कैडेट के रूप में जिन छात्रों ने भी ये निर्णय लिया कि मुझे एनसीसी का ट्रेनिंग लेना है, मुझे लगता है कि अपने जीवन में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन 2019 को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूरे कोल्हान के अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग झारखंड को एक बेहतर स्टेट के रूप में भारत सरकार के यहाँ प्रदर्शित करें और एक अच्छा रैंकिंग प्राप्त करें। जैसा कि आप लोग ने चलेगी जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण के जितने भी बिंदु हैं और जो उसके मापदंड है उसके अनुरूप आज यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से सीखने के बाद वो लोग अपने यहाँ जाएंगे और एक एक बिंदुओं पर काम करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो मापदंड है उसके आधार पर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेंगे, प्लास्टिक बैन पर काम करेंगे, और जो नया नया आयाम जुड़ा है स्वच्छता सर्वेक्षण में उनके तहत भी आज यहाँ पे कार्यशाला में बताया जाएगा, ताकि हमारा जो राज्य है वो पूरे भारत में अव्वल हो सके। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।